जिला पंचायत सभापति राजेश्वर भार्गव के नेतृत्व में सतनामी समाज के लोगों ने एसपी एवं कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कांग्रेस नेता एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के कट्टर समर्थक पंकज सिंह के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को जिला पंचायत सदस्य राजेश्वर भार्गव के नेतृत्व में सतनामी समाज के लोग एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। समाज प्रमुखों ने पंकज की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। समाज के पदाधिकारियों में कोतवाली पुलिस पर गंभीर प्रकरण को जानबूझकर सामान्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने का आरोप लगाया है। सिम्स के एमआरआई टेक्नीशियन तुलाराम टांडे के साथ पंकज सिंह द्वारा की गई मारपीट की घटना ने तुल पकड़ लिया है। इसके अलावा अब इसमें जमकर राजनीति भी हो रही है। सतनामी समाज ने आरोप लगाया है कि सिम्स कर्मी अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं। पुलिस को इस बात की जानकारी पूर्व से ही है, जब कोतवाली थाने में पंकज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी उस वक्त भी बताया गया था। अचरज की बात ये कि इसके बाद भी एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की गई है। एसपी एवं कलेक्टर को सौंपे पत्र में कहा है कि पंकज सिंह की छवि आपराधिक प्रवृत्ति की रही है, जल्द गिरफ्तारी न होने की स्थिति में पीड़ित सिम्स कर्मचारी के जान को खतरा बना रहेगा। कल का जो सिम्स ने हमारे समाज के जो वहाँ पहले प्रतिनिधि जो है उनके ऑफिस में जाकर पंकज सिंह ने कलर पकड़ के खींच के जो मारपीट किए हैं, इसके नाम से हम पूरे समाज के लोग आए हैं। जो एफआईआर हुए हैं उसके बाद आज ही रात में जाके थाना में अपराधी वहाँ पे हल्ला गुल्ला करके आए हैं, उनके ऊपर जो एक्ट एक्ट जो लगना चाहिए वो नहीं लगे हैं। हम एसपी साहब से मांग करने के लिए आए हैं कि उसमें अनुसूचित जाति एक्ट लगाए और तत्काल उसको गिरफ्तार करके सतनामी समाज को न्याय दिलाए। हम इसी के लिए आए, अगर कहीं दो तीन दिन के अंदर में नहीं हुआ तो ये उग्र आंदोलन करने के लिए पूरे समाज बाध्य है। राजमंत्र राजेश्वर भार्गव, एक नंबर। बिलासपुर से जितेंद्र भास्कर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।